हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम ऐसा एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आज हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ऐसी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि प्लीज इसको कहीं पे भी ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें। देखने के बाद कहीं पे भी इसको ट्राई ना करें, क्योंकि हम आज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये देखिए, हमने पहले से ही इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखी है। आज हम इसके अंदर डालने वाले हैं मैथवोक स्टिक्स। फिर देखते हैं मैथवोक स्टिक्स अंदर जाने के बाद अपने आप उस मैथवोक स्टिक्स में आग लगती है या नहीं लगती है। इस वीडियो में देखते हैं कि मैथवोक स्टिक्स के अंदर जाने के बाद सिर्फ अंदर स्टार्टिंग का बारूद ही जगेगा, जलेगा या पूरा स्टिक्स जल पाएगी। अभी पहले मैं स्टार्टिंग में इसमें एक स्टिक्स डाल रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, अभी इसमें मैंने एक स्टिक्स ही डाली थी और इसमें ये पूरी तरीके से ये जल चुकी है। पूरी धीरे धीरे ये पूरी खत्म हो रही है स्टिक्स। अभी इसमें मैं दो तीन स्टिक्स डालता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसका क्या रिएक्शन रहेगा। अभी मैंने इसमें सिर्फ इकट्ठी में 5 स्टिक्स डाल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पांचों की पांचों जल चुकी है। अभी मैं इसमें थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में स्टिक्स में डाल रहा हूँ इसके अंदर। देखिए दोस्तों, ये पूरी तरीके से अंदर जलकर राख हो रही है स्टिक्स, बिना किसी रोक दूसरे बारूद से जलने के साथ ही ये सारी की सारी राख हो रही है और बिल्कुल धुआं भी निकल रहा है इसके अंदर। ये मैं और मैच स्टिक्स डाल देता हूं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, इसमें मैं और लास्ट पूरी माचिस इसके अंदर डाल देता हूं, फिर देखता हूँ कि ये पूरी जलेगी या क्या होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के देखता हूँ। ये पूरा गर्म हो चुका है दोस्तों। ये पूरा उबल रहा है। अब इसके अंदर दोबारा मैच स्टिक्स डाल के देखता हूं। पूरा गर्म हो चुका है दोस्तों, हाथ भी नहीं लग रहा इसके। अब ये मैच स्टिक्स अब नहीं जल रहा है दोस्तों। कृपा करके इसको घर पे ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जान के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं तो यही बोलूंगा आपको, यही सजेस्ट करूंगा। अभी हम इसको बाहर ले जाके इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि तेजाब के साथ क्या रिएक्शन हो और इसका मैथवोक स्टिक्स के साथ क्या बना है। अब हम रूम से बाहर आ चुके हैं और इससे ये खाली यहाँ से करके देखते हैं इसमें इसका क्या हुआ, ये क्या हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल राख बन चुका है।